ताशी, लगता है तुम मुझसे डरती हो। हाँ डरती हूँ। अरे मुझसे क्यों डरती हो? पता नहीं, अब से मुझे बहुत डर लगती है। अरे मैं क्या जानवर हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? फिर तुम मेरे सामने हमेशा क्यों चुप रहती हो? अब से सभी डरते हैं, इसलिए मैं भी डरती हूँ। देखो ताशी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो ताशी? बोलो ना, बोलो। करती हूँ, करती हूँ। अब ठीक है, मैं अब चलती हूँ। रुको, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या? तुम मुझसे शादी करोगी? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे रोना आ रहा है। अरे इसमें रोने की क्या बात है, सीधी सी सवाल है, तुम मुझसे शादी करोगी नहीं, जवाब दो। मैं चलती हूँ। रुको, हद छोड़ी है मेरा, घर में मुझे गाली देगा। कौन? आप इतना गुस्से से क्यों पूछ रहे हैं? अगर तुमको कोई गाली देगा मैं इसको कट डालोगे? हाँ काट डालूंगा। मैं और रुक नहीं सकती। कल आओगी ना? कहाँ? यहाँ। क्यों आओ? मैं तुमसे रोज मिलना चाहता हूँ। अब घूम फिर कर एक ही बात पे आ रहे हैं। देखो ताशी, मुझे ठीक तरह से बातें करना नहीं आता। और भी कुछ बोलना है? तुम बोलो कल आओगे कि नहीं। क्यों, मुझे मार डालोगे? अरे तुम क्या बात कर रही हो? तो किस लिए? तुम मुझे गाली दो या मारो, मैं तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। बहुत बड़ा बात बोल दिया आपने। तुम्हें सुनकर अच्छा लगना चाहिए। अब दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करते हो, मेरे साथ भी वैसा ही करोगे? नहीं ताची, मैं सच बोल रहा हूँ। कर सकोगे या नहीं वो आपकी बात है, अब मैं चलती हूँ। ताची, ताची, ताची। ताशी, तुम बहुत मेहनत करती हो। मैं नहीं करूंगी तो आप कर दोगी क्या? हाँ मैं कर दूंगा। रहने दीजिए। ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं अपना काम खुद ही कर सकती हूँ। वाह, तुम्हें जवाब भी देना आता है। जुबान चलाने के लिए तो मोदी है ना? पहले तो मुझे लगा था सच में मेरे साथ तुम बात करने से डरती हो, लेकिन अभी तुमसे बात करने से डर लगता है। सुनकर अच्छा लगा। ताशी, तुम्हें रोज मिलने को मन करता है। अब हमेशा एक ही बात बोलते हैं। पता नहीं क्यों ये बात मुंह से निकल ही जाता है। आपको खुद की बात आपको मालूम नहीं? क्या करूं, मुंह पे आ ही जाता है। ठीक है मैं चलती हूँ। ताशी रुको, तुमसे एक बात पूछना था। क्या? मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? क्यों पूछा? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आप देखने में जैसे हो अंदर से वैसा नहीं हो। तुमने सही पकड़ा, मुझे विश्वास था कि तुम मुझे पहचान लो। अब मुझे जाना है। रुको, और एक बात करनी थी। क्या? तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? हैरान क्यों? मैं अभी चलती हूँ। नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अभी बोल नहीं सकती। ताशी एक बार बताओ। बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
आज कुछ बोलोगे नहीं? क्यों बताऊं? तुमने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आज बोलूंगी। सही में? मैं भी तुम्हारे साथ शादी करूंगी। सही में ताशी? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ताशी, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं भी बहुत खुश हूं। पेड़ काट रहा है तू? तू कौन है? मैं आयु हूँ यहाँ का रक्षक। वायु तेरी रुक 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 पेड़ काट के तू कहाँ जाएगा? भागकर तू कहाँ जाएगा? तूने यहाँ पे आकर पेड़ काटने की जरूरत की? मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। मुझे माफ करो। माफ? तुझे एक हफ्ते की सजा मिलेगा। मेरे घर पे रह के काम करना पड़ेगा। मेरा घर का आदमी लोग बहुत परेशान होगा। मुझे माफ कर दो। तुझे नहीं मिलेगा, एक हफ्ते की सजा मिलेगा। चल 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 चल। चल छोड़ दो। पेड़ कटेगा तू? हाँ, आज इतना देर क्यों हुआ? काम करते देर हो गया। ये कौन है? ये चुपचाप पेड़ काट रहा था। मतलब तुम फिर इसको पकड़ के लाए हो? हाँ, एक हफ्ता उसको सजा मिलेगा। एक हफ्ता? हाँ, हम लोग के घर में रहेगा और हम लोग का काम करेगा। इनके घर के लोग ढूंढेगा नहीं? जब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मेरे घर का लोग परेशान रहेगा। ताशी, तुम यहाँ पे रहोगी, अंदर भी जाओगे। तुम चलो, काम करना पड़ेगा तुम्हें। माँ, आज इतना देर हो गया, भैया नहीं आया। कहीं जाएगा बोला था क्या? ऐसे तो मुझे बोल के ही जाता है। आज नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं। पूछना सही था ना? सुनिए। हाँ? उसे ऐसे ही रखेगा क्या? तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे समय में मेरा शरीर भी ठीक नहीं है। ऐसे समय में ऐसा करना गलत होता है। अरे सिर्फ तुम अपने ख्याल रखो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। बाकी मैं संभाल लूंगा ना। मेरे बात पे ध्यान दीजिए, नहीं तो हाय लगेगी। कहाँ जाऊँ, तुम ही बताओ माँ। तुम अकेला कहाँ जाएगा? अभी तो शाम होने वाला है।
तुम ठीक कह रहे हो माँ, मैं कल सुबह ही ढूंढने जाऊंगा। मुझे बहुत चिंता हो रहा है। इतना चिंता मत करो, तेरे पिताजी की तरह उसे भी कुछ हो गया तो। ऐसी बातें सोचकर अपनी मन खराब मत करो माँ। तेरा पिताजी गुजर जाने के बाद तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? भैया को मैं ढूंढ के लाऊंगा, भैया को कुछ नहीं होगा, तो मेरे पर विश्वास करो और चिंता मत करो। अमांग, क्या तुमने एक बात सुना? क्या? अरे वायु ने कुमार को पहाड़ पे पैर कटते हुए पकड़ लिया और उसको घर में लाकर बांध के रख दिया। ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। बहुत बुरा हो रहा है। घर का सब काम करवा रहा है, उसे सजा दे रहा है। जितना भी काम है वही कर रहा है। ये बेइंसाफी है, ये अच्छी बात नहीं। हाँ, आदमी को इस तरह से सजा देता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ तमंग, तुम बोलो। बहुत बेइंसाफी है। आओ 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 आओ। अरे क्या हुआ? शाम होने से पहले ये काम खत्म होना चाहिए। सुबह से तो कामे कर रहा हूँ, और कितना करूंगा? और कितना करेगा, करना ही पड़ेगा, तुम्हारा सजा है ये। जल्दी कर। ओए, क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रहा है? बहुत थक गया हूँ और काम नहीं कर पाऊंगा। और काम नहीं कर पाएगा? तुझे मैं यहाँ पे मोफट का खिलाने के लाया हूँ, चल दूसरे काम पर चल। चल 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 चल। कहाँ जा रहे हो? मैं भाइयों को ढूंढने जा रहा हूँ पहाड़ों में। पहाड़ पर? नहीं नहीं मत जा। तुम इतना चिंता मत करो माँ, मैं भाई को लेकर ही वापस आऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ आ रहा हूँ।
भैया भैया अरे उस दिन मैं बाल बाल बस गया। क्यों? अगर किसी तरह वायो का हाथ लग जाता तो मेरा क्या होता? हाँ, जब उसके बारे में सोचता हूँ ना तब मैं कांप जाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वायो ने बहुत लोगों को इसी पहाड़ पे मारकर दफना दिया। क्या? हाँ, ये मैंने कई लोगों से सुना। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, एक बात है। क्या? आज रात जॉन के घर में एक उत्सव है। कल जब जॉन से मिला मुझे कुछ नहीं बोला। उसने मुझसे कहा तुम्हें भी साथ में ले चलो। देखता हूँ, अगर तुम नहीं गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, चलूंगा। अब कुमार को इस तरह सजा दे रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बोली? उसका भी तो एक घर है, घर के लोग परेशान हो गए ना। देखो ताशी, मैं कुमार को यहाँ मारने के लिए नहीं लाया हूँ। फिर भी उसके घर के लोग परेशान हो गए ना। कितना दिन रहेगा वो हमारे साथ? मैंने तुमको बोला था ना, एक हफ्ता रहेगा। एक हफ्ता छोड़ दीजिए ना ताशी, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी तो नींद आ रही है। अब दिन भर काम पे रहते हो, बात करने का मौका नहीं मिलते। अभी बताइए ना। मुझे नींद आ रहा है। ओए, क्या हुआ? जल्दी कर। जल्दी कर, और दूसरी काम भी करना है। Thank you.
जंगल में लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो? मेरा नाम राजेश है, मैं मेरे भाई को ढूंढने आया हूँ। यहाँ? हाँ, कल लकड़ी काटने आया था, वहाँ पास ही नहीं आया। यहाँ कहाँ ढूंढोगे? पहाड़ में किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। ऐसा मत बोलो। तुम पहाड़ में ढूंढने जा रहे हो, थोड़ा संभल के जाना। ठीक है, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया। यम्मी। तुम्हारा घर कहाँ पे है? थोड़ी दूर में है, और तुम इस तरफ जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर कुछ तकलीफ हुआ तो हमारे घर पे आ जाना। ठीक है। हाँ, और एक बात बोलना तो भूल ही गई। क्या? पहाड़ में एक दानव आदमी रहता है,